ईवी गाड़ी आप सीएनजी गाड़ी लिए हैं, ठीक है, तो ईवी गाड़ी मतलब क्या दिक्कत था? बैटरी वाली गाड़ी जो आया बजाज का, ईवी गाड़ी का जहाँ तक समझ में आया है कि इसमें स्लेटर और ब्रेक होता है, इसके अलावा उसमें और कोई ऑप्शन तो होता नहीं है। ठीक है। अगर लॉन्ग टर्म टूर में अगर जाए या बड़े जगह मतलब आगे रास्ता में हाईवे में जाए और अगर ब्रेक फेल हो जाए तो अच्छा, उसमें ऑप्शन नहीं बचता है कि उसको फिर रोका कैसे जाए, यानी कंट्रोल कैसे किया जाए। कहने का मतलब आपको ये है कि जब लॉन्ग टूर में चल रहा है गाड़ी, हाईवे पर कहीं पर चल रहा है, हाई स्पीड में चल रहा है, तो अगर ब्रेक फेल हो जाए तो रोका कैसे जाए, सवाल आपका ये है। सवाल यही है। ठीक है, तो सीएनजी में क्या फैसिलिटी है सीएनजी जो? में फैसिलिटी है कि अगर उसमें भी अगर ब्रेक फेल हो जाए तो उसमें एक ऑप्शन रहता है कि ड्राइवर अगर थोड़ा समझदारी करे तो गियर को कम करके गाड़ी को स्लो कर सकता है। ये ऑप्शन ईवी में नहीं है। तो किसी भी अगर जो अगर कोई गाड़ी लेना चाहे ऑटो, तो कौन सा आपके नज़र में बेहतर होगा, बजाज इलेक्ट्रिक ऑटो या फिर सीएनजी ऑटो? मैं तो सीएनजी ऑटो ही सही लग रहा है लग रहा है। सेफ्टी के अनुसार, क्योंकि अच्छा, फ्यूचर में आदमी के साथ कभी भी रास्ते में कुछ भी हो सकता है, उसके सेफ्टी के लिए अभी फिलहाल सीएनजी ठीक है। यानी आपको डर ये है सिर्फ इसकी वजह से आप सीएनजी खरीदे हैं कि अगर हाईवे पर चल रहा है और ब्रेक फेल हो गया तो हम कैसे रोकेंगे? कैसे रोकेंगे, अगर सीएनजी फेल होता है तो गियर को कम करते करते रोक देते हैं, रोकते हैं, स्लो कर सकते ठीक हैं। है। हाँ तो आपको जानकारी के लिए हम बता दें कि हमारा जो बजाज ऑटो है, ब्रेक जो पैंडल है ना, या तो फेल होगा, या तो पीछे का फेल होगा, या तो फिर आगे का फेल होगा, क्योंकि सिलेंडर दो दिया है, एक बार में दोनों फेल नहीं होता है, कभी भी नहीं होता है। क्योंकि पीछे का फेल हुआ, अगर मान लिया जाए कि बॉकेट कट गया, तो पीछे कटा हुआ आएगा, काम करेगा। और इलेक्ट्रिक गाड़ी में अगर आप टोटल जो एक्सीलेटर लेते हैं वो छोड़ दीजिएगा तो धीरे धीरे स्लो हो जाती है, समझ गए? आप अगला ब्रेक भी यूज कर सकते हैं, आसानी से रुक सकता है, वैसा कोई दिक्कत है नहीं। सेम प्रोसीजर सीएनजी में भी वही है, जो ब्रेक का जो मास्टर सिलेंडर है उसमें भी डबल सिलेंडर है, पीछे का अलग है और आगे का अलग है। किसी भी ड्राइवर से आप स्टैंड में आप लोग जाते होंगे, बात करते हैं, आप तो रात में ड्यूटी करते हैं, दिन में ऑटो चलाते हैं, आप स्टैंड में जाते होंगे तो बात कीजिएगा, कभी हर जितना गाड़ी मास्टर सिलेंडर ब्रेक फेल हुआ या एक ही बार फेल हुआ नहीं, या तो पीछे का फेल होता या तो फिर आगे का होता है। अगर आगे का हुआ ब्रेक फेल खराब हुआ तो पीछे का काम करता है, यानी ब्रेक लगता ही लगता है। अब ईवी गाड़ी के बारे में अगर बता दें तो सीएनजी की तुलना में ईवी गाड़ी बेस्ट है। कैसे? अभी स्टार्टिंग देखिए, जब सीएनजी आया था स्टार्टिंग में तो बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता था, सीएनजी गैस डलवाने के लिए जगह जगह मिलता नहीं था, होता था ना। सबसे पहले हमारा गाड़ी आया था सीएनजी स्पेशलिस्ट, सिंगल जिसको बोलते थे मोनोफ्यूल, अभी आ गया उसी को देखते हुए कंपनी वाईफ्यूल आई। क्यों? क्योंकि बहुत से एरिया में क्या होता है कि सीएनजी पंप अवेलेबल नहीं था, तो पेट्रोल अवेलेबल था, उस हिसाब से पेट्रोल को, जहाँ पेट्रोल अवेलेबल नहीं है वहाँ सीएनजी अवेलेबल होता था, और जहाँ सीएनजी नहीं है वहाँ पेट्रोल से आसानी से अभी अवेलेबल है, क्योंकि बाइक तो पेट्रोल से चलती है। तो इसी केस में जो सीएनजी पेट्रोल जो वो बायोफ्यूल गाड़ी आई तो स्टार्टिंग प्रॉब्लम था, अब प्रॉब्लम कहाँ है, कहीं पर है? देखते हैं सीएनजी में कोई प्रॉब्लम भराने में, ना गैस भराने प्रॉब्लम है, ना पेट्रोल भराने प्रॉब्लम है। तो उसी तरह से जो ईवी गाड़ी है, बैटरी वाली है, तो हर जगह हर घर में बिजली उपलब्ध है, तो हर जगह बिजली उपलब्ध है, तो उस केस में तो बिजली तो आपको बिजली से चार्ज करना है, आपको चार्ज करने में लमसम 7 से 8 मिनट खत्म होता है, 7 से 8 मिनट। तो उस केस में आप चार्ज कर रहे हैं घर पे, धीरे धीरे कंपनी भी क्या करती है, कस्टमर को सुविधा के लिए लाई है, सरकार का नियमानुसार जो है प्रोसीजर है उसके अनुसार आई है, तो धीरे धीरे ये भी आपको शेड्यूल में आ जाएगा, यानी कि आप लोगों को फायदा नजर आएगा। सीएनजी का मैकेनिक अभी बताइए, क्या हर जगह प्रॉपर तरीका से अवेलेबल है? नहीं, अभी तो उतना प्रॉपर से नहीं है, नहीं है। अगर हम फिलहाल बात उसका मतलब ये है कि काम हो जाता है, हाँ,
ईवी का ये प्रॉब्लम अभी है कि मैकेनिक उतना इसका नहीं है, नहीं है। सीएनजी में तो काम हो जाता है, सीएनजी का तो टाइम लेता है। हाँ, जो बाहर का जो मैकेनिक भाई है बहुत जगह अभी इलेक्ट्रिक पर हाथ नहीं लगा रहे, बहुत जगह सर्विस सेंटर के अंदर में जा रहे हैं। ऐसा कोई दिक्कत देखिए, मैकेनिक कोई भी हो, मैकेनिक होता है। अगर बाहर के भी हमारे मैकेनिक भाई काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं बजाज के लिए ही काम कर रहे हैं, है कि नहीं। तो उसी तरह से जो ईवी गाड़ी आया है उसका भी मैकेनिक अवेलेबल हर जगह हो जाएगा। अभी स्टार्टिंग पीरियड है इसलिए लग रहा है कि सक्सेस होगा कि नहीं होगा, लेकिन ईवी गाड़ी जो है ना आने वाला समय के जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक डेवलप कर रहा है उस तरह से बैटरी वाली ही सक्सेस नज़र आएगी इलेक्ट्रिक। तो समझिए, ब्रेक के डर से कभी भी ये ना सोचें कि मेरा अगर हाईवे पर चल रहे हैं तो उस केस में ब्रेक लगेगा कि नहीं लगेगा। आपका इसी डर के कारण आप और भी कस्टमर को जो बोलते होंगे कि नहीं उस गाड़ी मत लो क्योंकि इसमें तो गियर लगा के कम कर लेगा, बैटरी वाला हम कैसे कम करेंगे। कितना आपको सुविधा के लिए बता दें कि जब भी है हमारा बजाज ऑटो में डबल सिलेंडर ब्रेक लगा है। अगर कोशिश कीजिएगा, अब कल आप जब जाइएगा अगर ऑटो मिलेगा भी उसको ट्राई कीजिएगा, और जब स्पीड चलाइएगा तो टोटल को छोड़ दीजिएगा, यानी एक्सीलेटर छोड़ दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कितना देर में रुक जाएगा आपका, यानी जितना में उसको आप गियर चेंज करने में आप बोल रहे हैं ना उतना दूर जाएगा, उतना ही इसका भी उससे कम है। हम लोग भी इस पॉइंट को समझें क्योंकि आखिर में मार्केट में फीडबैक क्या हो रहा है। हाँ, तब तो समझ गए कि ईवी गाड़ी भी बेटर है।